वंदे गुरुपद्द्वंद्व भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनमनु वाछाकलपदूश कृपा सिंधुभ्यवच पतिता पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुं लंघयति गिरीमहंग वंदे परमानंदमाधव बृंदावई तुलसीदेव पिया वै केशवस्वभक्तिपदी देवी सत्व नमो नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगद्वरुण्य धैयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरुञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनतपालभवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधूषुवदर्श पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति राधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदधौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरान गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वां भागं नारायणो प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी प्रपति भज विश्वनाथं बागीशयुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Savai Pungsam Paro Dharma Yato Bhakti Radhakshaji Ahetukya Pratihata Jayatma Suprasidati Savai Pungsam Paro Dharma Yato Bhakti Radhakshaji Ahetukya Pratihata Jayatma Suprasidati Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru Ji ne bataye bhajaniya vastu bhajan aur bhajan kari sari jo tattva hai adhaksha jo tattva Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ji Jagat Guru Ji ne bataye Bhajaniya Vastu Bhagavan Bhajan Procedure O jo bhajan karne wale hain tamam jo hai cheez hai wo adhaksha jo tattva hona chahiye honi chahiye ye sare adhaksha jo tattva aksha jo vichar material vichar lekar jagat ko upar adhipatya vistar prabhutva adhin you know ये विचार लेके अगर कोई आगे बढ़ना चाहे भजन में किसी भी हालत से भजन करना संभव नहीं है निर्मल पुरुष जो है जिसका हृदय एकदम बिल्कुल साफा हो गया एकदम अन्नाभिलाषित शून्यम गौण कर्म ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो है ऐसा निर्मल पुरुष है पुरुष का नित्य धर्म हो नहीं पाएगा ऐसा पुरुष का जो नित्य धर्म हो ये हो नहीं पाएगा अगर उल्टा विचार करके चले निर्मल पुरुष का धर्म है अदक्ष जो वस्तु का सेवा करना और भजनीय वस्तु भगवान भजन पद्धति और जो भजन करने वाले जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए अप डाउन होने से सारे गड़बड़ हो जाएगा प्राकृतो गुणा क्रांतो प्राकृतो गुण के द्वारा आक्रांत है वशभूत है प्राकृतो गुणावली के द्वारा जो पूरा अफेक्टेड है आक्रांत है ऐसा आदमी परम धर्म का जो अनुष्ठान है ये कर नहीं पाते परम धर्म का अनुष्ठान में ये लगने उसको लगना संभव नहीं होता और अधक्ष जो वस्तु का अनुशीलन करते हुए मिक्सिंग प्रोसीजर चित जर समन्वय विचार करके ये भी चले वो भी चले ऐसा करके अधक्ष जो वस्तु अक्ष जो वस्तु का अनुशीलन करते हुए कभी ज्ञान पथ में कभी कर्म पथ में आचरण विचरण करते रहते हैं जड़ मन है इसके द्वारा अनात्म मन इसका जो जड़ मन है जड़ बुद्धि है अस्थूल देह है इसके द्वारा तरह तरह का क्लेश का सम्मुखीन हो पाते हैं तरह तरह का क्लेश का सम्मुखीन हो जाते हैं फिर भी इसको ही मजा समझते हैं इसको ही मजा समझते हैं वो बिल्कुल समझ नहीं पाते ये जो अनुपादेयो स्वार्थो परतार अच्छन्न हो जाता है अपना जो जड़ विचार के द्वारा जो लावन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें संयुक्त हो जाते हैं अधक्ष जो भगवान श्री कृष्ण में सुनिर्मल आत्मा का अहेतु की अप्रतिहता सेवा वृत्ति छोड़ के दूसरा कोई क्रिया कर्म नहीं हो सकता दूसरा कोई प्रोसीजर नहीं है
जिसके द्वारा कृष्ण भजन हो सकता। सुनिर्मल, निर्मल नहीं, सुनिर्मल आत्मा, जो वो जो रूप गोस्वामी पाद का जो रसामृत में बताया गया ना, स वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अध्यक्ष अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। और रूप गोस्वामी पाद का ये तो भगवत का श्लोक है, रूप गोस्वामी पाद का जो बताया अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। विचार करने जाए, अगर सही ढंग से विचार करने जाए तो कृष्ण भजन असंभव है। एकमात्र ये फॉर्मूला जो है रूप गोस्वामी पाद जी ने बताए, ऐसा स्थिति में अगर कोई पहुंचे तो कृष्ण भजन हो पाता। कृष्ण भजन नहीं जातकुलादि विचार, ये ठीक है, कृष्ण भजन में जात कुलादि विचार है नहीं, वो तो ठीक है। कृष्ण भजन में दूसरा कोई क्रियाकर्म का भी कोई प्राधान्य, कोई प्रायोरिटी नहीं है। कृष्ण भजन में एक चीज चाहिए, वो है प्यार। कोई मंत्र तंत्र षड्यंत्र करके कृष्ण भजन होता नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताए हैं, स्नेहो सेवा मात्र अपेक्षा। कृष्ण भजने इन कृष्ण भजन में किस किस सिर्फ स्नेहो सेवा मात्र अपेक्षा और कुछ नहीं चाहिए। इस बात को खुलासा होगा, स्नेहो सेवा कैसे होता है, संबंध ज्ञान भी वैसा उस तरीका से होनी चाहिए। संबंध ज्ञान नहीं है तो अपना विचार नहीं है, कृष्ण हमारा है, ऐसा विचार अगर नहीं है तो आएगा ही नहीं है सब। तो इस विचार उस दिन जो काल जो चर्चा किया था, इस श्लोक का आगे चल के हम बताएंगे। जोगी नाम ओपि सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मान सौमे युक्तो तमो मतः। इस बात का धीरे धीरे विचार करना चाहिए। उसका पहले ये विचार है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान गीता में अंतिम जो उपदेश दिए हैं, अंतिम उपदेश जो सर्वधर्मान प्रत्यज मामिकं शरणं भज, एब्सोल्यूट रूप से मेरा चरण में शरणागत हो जाओ, ये श्रीमद्भगवद्गीता जो है गीता का ये अंतिम है। और हमारा भगवत धर्म जो है, आत्मधर्म है, यह शुरुआत है, फिर भी वेरी इम्पोर्टेंट। गीता में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सर्व प्रकार का धर्मों, सर्व मतलब देह धर्मों, समाज धर्मों, मानव धर्म जितना सारे है, छल धर्मों जितना सारे है, तमाम सो कॉल्ड धर्मों तथाकथित धर्मों को छोड़कर एकांत रूप में मेरा चरण में शरणागत हो जाओ, भगवान बोले। प्रभुपाद कह रहे हैं गीता में भगवान सर्वधर्म छोड़कर एकांत रूप में चरण में अपना चरण में शरणागति का उपदेश किए। और ऐसा करने श्रीमद भगवद गीता में अन्य दूसरे जगह में स्वयं उपदेश किए भी हैं, स्वधर्म छोड़कर परधर्म ग्रहण करना उचित नहीं है। स्वधर्म निधनम से हो परधर्मो भयावहो, ऐसा बताए। तरह तरह का उपदेश है, हाउ टू हार्मोनाइज, कैसे मिला जुला कर हारमोनी करके हृदय में वास्तविक सिद्धांत को है नो समझना, ये बड़ा कठिन, फिर भी कठिन नहीं है। शरणागत भक्त के लिए कुछ भी कठिन नहीं। जो भगवान अभी बताएं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम, यही भगवान ने पहले बताया था, स्वधर्म निधनम से हो परधर्म भयावह, क्योंकि स्वधर्म छोड़कर परधर्म ग्रहण करने से शुभोदय मंगलोदय शुभोदय हो नहीं सकता। स्वधर्म में मरना भी ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म जो अपना धर्म नहीं है वो जाजन करना उचित नहीं।
समझा, उसमें तमाम अमंगल आ जाएगा। पशु पक्षियों में देखो विचार करके, एक उदाहरण के द्वारा विचार करके देखे, परधर्म भयावह इसका विचार भी किया पहले, विचार करके समझने का कोशिश की। कुत्ता का जो स्वभाव है वो कुत्ता का स्वभाव वफादारी, वो अपना मालिक का सोचता है चुपचाप, हैं कोई भी गड़बड़ी सह नहीं। और गाधे का काम है जितना सारा वेट है उसको बहन करके ले जाओ, दोनों का काम, इसका काम ये उसका काम ये है, दोनों का दोनों अलग विचार है। एक मालिक ने एक कुत्ता को बहुत पीटा, किसी कारण इतना पीटा इतना पीटा, कुत्ता ने एकदम बड़ा विवल हो गया। होने के बाद उस खाओ खाना भी नहीं मिला, कुछ नहीं दिया, और कुत्ता पड़ा हुआ है। और ये जो मालिक है, मालिक वो गाधे का इस्तेमाल करते हैं सामान आने लाने में, और एक गाधे भी है। रात को चोर आया, चोर आके चोर अपना काम किया, मतलब घर तोड़ के सब जो जो सामान लेना है बढ़के, और कुत्ता कुछ नहीं किया। ऐसा एक नाटक है, ये एक 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 रूपक नाटक है। कुत्ता ने कुछ नहीं बोला, क्यों, कुत्ता को मारा है कुत्ता, इसलिए कुछ नहीं बोला, चुपचाप इतना कष्ट है। और गाधा चिल्लाना शुरू कर दिया, गाधा ने इतना चिल्लाया, जब चोर चला गया मालिक बाहर निकलकर गाधा को बहुत पीटा, गाधा को पीटा, क्योंकि गाधा चिल्लाने से किसी को थोड़ी मालूम होगा कि चोर आया है, कुत्ता तो चिल्लाया नहीं, तो इतना पीटा गाधा को, गाधा भी उसका चूर चूर हो गया। तो आपस में बातचीत चल रहा है, दोस्त ये हमारा काम था चिल्लाना, कुत्ता भौंकने से पता चलेगा कि चोर आया है, लेकिन तुम भूखा, देखो नतीजा देखो। तो मतलब ये एक रूपक उदाहरण है ना, स्वधर्म निधनम से हो परधर्म भयावह। कोई अगर चमार मंदिर में घुस जाए, ब्राह्मण का मापे अर्चन शुरू कर दे, ये उल्टा हो जाएगा सारे, परधर्म भयावह। और वो भगवान, जो भगवान ने ऐसे बोला, जो स्वधर्म में रहकर निधन प्राप्त होना ठीक है, फिर भी परधर्मों का जाजन करना उचित नहीं, वही भगवान आवार इधर बताया, सर्वधर्म परित्याग करके मेरा चरण में शरण हो जाए। इसका सामंजस्य हारमोनी कहाँ है। मानव जाति जो है अपना निज अपना विद्या बुद्धि सब को लगाकर भगवान को जानने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जानना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सब प्रकाश वस्तु भगवान का कृपा से ही भगवान को जानना संभव है। भगवान का कृपा के द्वारा ही भगवान को जानना, गोपीनाथ आचार्य जी ने सर्वमठाचार्य को यही बताया, ईश्वर कृपा ले तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानिवारे पारे, ईश्वर कृपा ले, ईश्वर का कृपा जिसका पर हो, अक्सर तो ईश्वर का कृपा साधु का माध्यम ही आता है, फिर भी ईश्वर कृपा ले तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानिवारे पारे, बाकी अपना विचार बुद्धि अर्थबल लोकबल विद्या बल सब लगा के भी भगवान को जानना संभव नहीं है। किसी भी हालत से संभव नहीं है भगवान को जानना, किसी भी हालत से संभव नहीं है। भगवान को जानने के लिए भगवान जो अंतिम शरणागति का बात बताए, ये सबसे ऊपर है, इसका साथ साथ ही हमारा भागवत धर्मों का जो शरणापत्ति का रास्ता जो है, भागवत धर्मों का जाजन संभव नहीं होता जब तक शरणापत्ति सिद्ध ना हो जाए। और गीता में पहले जो ये जो श्लोक
जो पहला गीता में पहला अध्याय से लेकर छठा अध्याय फास्ट छह अध्याय जो है एक अध्याय से षष्ठ अध्याय तब निष्काम कर्मयोग का बारे में बहुत सुंदर उपदेश किए हैं। क्योंकि गीता का ग्राहक जो है किसका कौन पोजीशन है, किसका कौन संस्कार है, जिसका जो योग्यता है, जिसका जो लेवल है, उसी का मुताबिक गीता का उपदेश वो ग्रहण कर सकेगा। हर आदमी भक्ति योग का बारे में उपदेश समझे ऐसा संभव नहीं होता नहीं। इसीलिए भगवान पहला अध्याय से लेकर छठा अध्याय तक निष्काम कर्मयोग का बारे में सुंदर बताए। क्योंकि समाज में है ना कर्मों ज्ञान आदि बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो भी पक्का ज्ञान नहीं है, कच्चा ज्ञान, वो भक्ति समझता ही नहीं किसी हालत से। मायावादी भी बोलते हैं हम ज्ञानी हैं, हैं? तो पहला अध्याय से लेकर छठा अध्याय तक निष्काम कर्मयोग का बारे में बताया गया। और सातवा अध्याय से लेकर बारहवा अध्याय तक, बारहवा अध्याय में भक्ति योग का चरम एक्सीलेंट विचार हुआ है। तो सातवा अध्याय से लेकर बारहवा अध्याय तक भक्ति योग का बारे में बताए। और तृतीय शतक अर्थात थर्ड पोर्शन, तीसरा पोर्शन जो है अर्थात तेरह अध्याय से लेकर अठारह अध्याय तक भक्ति मूलक ज्ञान योग का बारे में बताया। भक्ति को, भक्ति योग को बीच में रख दिया, मानो कि ये सीक्रेट ट्रेजर है, इसलिए एकदम बीच में रख दिया। और पोपा जी का विचार ये जो सवई पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्षये अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, इसका चर्चा नहीं होगा, फिर भी एक इंडिकेशन सबई ये निश्चित रूप में जीवात्मा के लिए परो धर्म बनता है, या तो जिसके द्वारा भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजो वस्तु भगवान में भक्ति अर्थात सेवा हो जाता। सबई वही में निश्चितमेव सबई पुंसाम, यही पुंसाम मतलब पुरुष नहीं है, यहाँ पुंसाम मतलब जीवात्मा को बोला, पुरुष स्त्री का विचार इधर नहीं है। क्योंकि जीवात्मा जो निकलते हैं उसका कोई जड़ जगत का जो लिंग है वैसा नहीं है कुछ, इसलिए हर जगह शास्त्र में पुंसाम ये जो बात लिखा गया ये जो है ये जीवात्मा का बारे में, सवई पुंसाम परो धर्म, ये जीवात्मा के लिए परो धर्म बनता है, या तो जिसके द्वारा भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान में भक्ति अर्थात सेवा हो जाए। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए, न मतलब अहेतु की अप्रतिहता, जो अहेतु की कोई हेतु नहीं है, हम किस लिए भजन कर रहे हैं, किस लिए सेवा कर रहे हैं, हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा का, ये जो विचार ये नहीं। अहेतु की, अहेतु की मतलब उसका कोई हेतु नहीं है, कोई कारण, सेवा करने के लिए आनंद होता है इसीलिए कर रहे हैं। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहत मैंने इरेसिस्टिव, अंदर से कोई जो ऐसा भाव आए जो बाहरी दुनिया का कोई रोक टोक, जितना सारे इम्पेरिमेंट्स है बाधाएं, वो टिक नहीं सकेगा। अहेतु की अप्रतिहता, जैसे उदाहरण है गंगा जी का धारा एकदम हिमालय से निकलकर गंगोत्री गौमुख से निकलकर गंगोत्री होकर गंगा उत्तरी गंगोत्री वहाँ से पूरा बहती आ रही है, तो इसमें कोई रोक टोक टिकता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे हिमालयन रॉक्स है, ये है वो है, लेकिन हमने देखा हिमालय में बहुत बार गए हुए हैं, देखें इतना बड़ा बड़ा चट्टान है पत्थर का,
लेकिन गंगा जी धक्का लगा कर एकदम ऊपर से उछल के बहती हुई आ रही है। तो ये जो अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, और एक सिंटम है जो कौन भगवत धर्मों का जाजन कर रहा है, इसका सिंटम क्या है, क्या प्रमाण है, बस उसका अंदर में एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस अप्राकृत सुखानुभूति विराजमान रहेगी। अप्राकृत सुखानुभूति जयात्मा सुप्रसिद्धति, प्रसिद्धति नहीं, सु मतलब सु लगाया गया व्याकरण में, प्रो परा अपो अनु सु जितना सारे ये जो लगाया गया इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों का जो ताकत है वो ज्यादा बढ़ जाता है, शब्दों का जो ताकत है ये बहुत बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, यू नो। तो ऐसा ही है, सब पुंसम परो धर्म यतो भक्ति अधक्षजे अहेतु के अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध। इसका चर्चा थोड़ा होनी चाहिए, किस लिए, क्योंकि ये जो अभी शुरू होगा आज ये सातवां अध्याय से भक्ति योग का ही तरह तरह का विचार बना के भगवान रख दिया, सुंदर। तो ये सुप्रसिद्ध की बात बोला गया। इस उदाहरण के लिए कपिल जी महाराज माता देवाहुति देवी को ये बताएं, ऐसा उदाहरण देखे, जैसा उदाहरण हमने दिया, भले अहेतु की अप्रतिहता सुप्रसिद्धति, ये जो भक्ति है कैसा है, भले मदगुण स्तुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्बदो गंगाम्बो गंगाम्बसो अम्बधो, समझा, मदगुण स्तुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो अम्बधो। लक्षणम भक्ति योगस्य लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुकी अप्रतियता या भक्ति पुरुषोत्तम है। एक ही एग्जाम्पल हुआ, सिर्फ पहले वाला उदाहरण दिया गंगा का, वो हमने दिया मदगुण स्तुति मात्रेण, ये जो मदगुण स्तुति मात्रेण ये श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन के द्वारा जो भक्ति का उत्पत्ति, ध्यान देना भक्ति बहुत किस्म का होता है, ये इसका हम चर्चा करेंगे। और मदगुण स्तुति मात्रेण ये जो श्रवण कीर्तन के द्वारा जो भक्ति का भाव पैदा होता है ये अलग, भगवान ये जो अंतिम गीता का ये जो छ अध्याय का जो श्लोक है इसमें क्या कहना चाहे ये अगर नहीं समझे तो सातवां अध्याय में प्रवेश करना उचित नहीं होगी। तो इसलिए जोगीनाम ओपी, महाराज जोगीनाम ओपी, हाँ जोगीनाम ओपी सर्वेशम, कितना योगी है, बोले बहुत किस्म का योगी है, योगीनाम ओपी सर्वेशम मदगतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमान सौमे युक्तो तमो मतः, ये बात का ध्यान देना। तो यहाँ जो कपिल जी महाराज कह रहे हैं और भागवत जी महाप्राण का जो पहला ये जो श्लोक हमने बताया पहला अध्याय में, सौ वही पुंसाम परो धर्मो पहला अध्याय में जो है ये सब देखो, इसमें विचार ऐसा है, मनोगतिर अविच्छिन्न, जब मनोगतिर अविच्छिन्न मतलब मेटेरियल माइंड का एग्जिस्टेंस नहीं है, मन जब अप्राकृत बन जाता है तभी कांस्टेंट नॉन स्टॉप फ्लो भगवान का ओर मन जाना तभी संभव हो पाता, ध्यान देना, मनोगतिर अविच्छिन्न मतलब जब तक हमारा मन असतिमति है, असतिमति, मति शब्द स्त्रीलिंग है संस्कृत में, मति मति मतयो ऐसा यो है, मति शब्द स्त्रीलिंग है, असतिमति, असती नारी जैसा है, प्रॉस लेडी चरित्र सिग्नी,
ऐसा असतिमती विषय में भागती रहती, विषय का ओर भागती रहती है। और ये मति जब विशुद्ध मति, मन जब अप्राकृत बन जाते हैं, मैटर नहीं है बिल्कुल, मैटर नहीं है, पूरा एकदम खाली हो गया। अब खाली मन तो खाली नहीं महाराज, मन महाराज मन तो खाली नहीं हो सकता। आपने पहले बताया माइंड कैन नेवर बी वैकेंट, साइंटिस्ट लोग बताया मन को खाली करना संभव नहीं, लेकिन मन को चेंज करना, खाली करना तो संभव नहीं है। ठीक से निर्विकल्प समाधि होता है तब, तब भी मन में कुछ ख्याल मन खो जाता है, फिर भी मन को बिल्कुल प्योरिटी प्योरीफाई करने के लिए एक ही रास्ता है, यह भक्ति का रास्ता। अर्थात जड़ जगत का चिंता को फेंक कर अप्राकृत जगत का जो सेवामय भावना, अप्राकृत आनंदमय जगत का जो भाव है, इसको भर लो। कचरा पानी है अपना कलश में, गंगा जी में जाकर उसको पूरा ऊपर कर दो, ऊपर करके फेंक दो नीचे। गंगा जी में जाए पचा तुलसी पुराना माला सब सारे फेंक दिया, उसके बाद कलश को धोकर माँच कर उसका बाद कलश को ठीक पानी का नीचे उल्टा कर दो। अभी जब किया था जाने के साथ पूरा ऐसा उल्टा किया जैसे ऊपर का पानी नीचे चले जाए, दूषित सारे चीज नीचे चला गया। उसका बाद गंगा जी में कलसी को घुसाया और धोया, उसका बाद ठीक उल्टा कर दिया, जैसे कचरा फेंकने का टाइम में उल्टा किया था, अब थोड़ा सीधा कर दिया ऐसा, और पानी कांदर में दे दिया, जितना सारे शुद्ध गंगा का पानी चला गया। वो साधु का सामने जाकर दंडवत करने का भी ये है, हमारा जितना सारे दूषित बुद्धि है वो कलसी को बुद्धि ना पे कुलसी कलसी को नीचा कर दो, जितना दूषित सब चला गया। दंडवत करने का बाद उठो तो गुरु वैष्णव में दंडवत करने का बाद जो शुद्ध बुद्धि है वो पैदा हो जाता, अगर अंतर से किया है तो ये जो है, ये जो विचार है, ऐसे ऐसे मनोगति अविच्छिन्ना, जब मेटेरियल माइंड है ही नहीं, सारे मन में भरपूर है भगवान का सेवा का भावना, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, ये बद्ध अवस्था में इस बात को समझना बिल्कुल असंभव है, ये विश्वास यकीन नहीं होगी, कैसे हो सकता। लेकिन जो वास्तव महात्मा लोग है निष्किंचन, वो लोग जानते हैं, क्योंकि ये आनंद तो उसका हृदय में है, बाहरी आदमी तो समझ नहीं पाता। तो मनोगति अविच्छिन्ना माने नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ माइंड कैन टच द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। मनोगति अविच्छिन्ना भगवान के चरण का ओर जा रहा है प्रीतिपूर्वक प्रेम के द्वारा, और कैसा, जैसा गंगाम्बसो गंगा का अम्बो, अम्बो गंगा का पानी, अम्बुधो मतलब सागर का ओर दौड़ती रहती है गंगा, गंगा जी का पानी, ऐसा नॉन स्टॉप विदाउट एनी एनी रोक टोक पूरा चलते है, चलते ही चले और सागर में जाके विलीन हो गया। इसको ही कपिल जी महाराज उदाहरण दिए, जे यही लक्षण है, लक्षणम भक्ति युगस्य निर्गुणस्य, ऑर्डिनरी भक्ति नहीं है ये, एक किस्म का भक्ति है। भक्ति में ठाकुर जी ने बताया, हम दिखाएंगे, जैसे साले ज्ञान कर्मों से दफा होने के बाद एक किस्म का भय, एक किस्म का भय, एक किस्म का भक्ति पहले उदित होता है, लेकिन मदगुण स्तुति माते ने सवन कीर्तन के द्वारा जो भक्ति, इसका बारे में ये जो छठा अध्याय का अंतिम श्लोक, ये जो बोला युक्तो तमो मतः कौन है, इसका विचार। सो लक्षणम भक्ति योग से निर्गुण से उदाहरण, तो ये यही उदाहरण दिया गया, ये भक्ति योग से निर्गुण से, निर्गुण भक्ति का यही उदाहरण है, जिसमें दो वाइटल लक्षण है, एक है अहेतुकी कोई कारण नहीं, अहेतुकी अप्रतिहता, और अहेतुकी और अप्रतिहता, एक है अहेतुकी कोई कारण नहीं है,
किसके लिए करना है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही कर रहा है, भगवान को प्यार है हमारा, अहेतु की अप्रतिहत, इसके लिए कोई रिटर्न हमको नहीं चाहिए, अहेतु की अप्रतिहत। और तीसरा उदाहरण है इरेसिस्टिव पावर यू कैन फील, अंदर में कोई रोक टोक मानेगा नहीं, ये जो है प्रीति का लक्षण है। जो भगवान में भक्ति कोई सामान्य बाधाएं होती, सामान्य बाधाएं आ गया और देखो बाधा आ गया तो आप कैसे करें, चलो और चलो ठीक है बंद कर दिया, तो ये भक्ति नहीं है। जब अहेतु की भक्ति है वो अप्रतिहत, इसको जितना भी रोका जाए किसी भी हालत से रोकना संभव नहीं, असंभव है, रोकना संभव नहीं, ये चलते चलेगा, एकदम चलेगी नहीं। अहित की अप्रतियता जाया या भक्ति पुरुषोत्तम है, कपिल जी महाराज बताए। और यहां बताए सवई पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति रथक्षये, अहित की अप्रतियता जयात्मा सुप्रसिद्धति, यहां सुप्रसिद्धति बताया, यही सुप्रसिद्धति जो है यही है आपका कपिल जी का जो बताया गया निर्गुण भक्ति का बारे में, ये सुप्रसिद्ध थी, क्योंकि निर्गुण भक्ति जाजन किए बिना कभी भी आत्मा का प्रशांति, ये जो आत्मा है ये जीवात्मा माया का चक्कर में फंस कर क्या कुछ नहीं कर रहा है, सुख के लिए दौड़ रहा है, अपना फ्यूचर को, अपना फ्यूचर लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत कुछ कर रहा है, किचली कर रहा है, बोले एक ही कारण है वो सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख को मिटाना चाहता है, यही है। लेकिन सुख का जो डेफिनेशन है इसको पता नहीं। जैसे एक चातक पक्षी है, चातक जानते हो, जो गर्मी का टाइम में फटीक जल पानी मांगते हैं ना, छोटे से एकदम है ना, इतना छोटी पक्षी ओ चिल्लाते हैं एकदम फटीक जल माने क्रिस्टल वाटर, आसमान से एक बूंद क्रिस्टल वाटर ठाकुर जी उसका जबान में डाले तो उसका शांति। दुनिया में इतना पानी है फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, पूरा पृथ्वी का यू नो चार भाग का तीन भाग पानी है, पूरा धरती देवी चार भाग का तीन हिस्सा तो पानी है, तीन हिस्सा पानी है और स्थल है बहुत कम। अरे इतना पानी होने का बावजूद ये जो चिड़िया है इसको प्रशांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्यों, उसको वही पानी चाहिए, इसका सेटिस्फेक्शन किसी भी अलग से मर जाए मर मिट जाए फिर भी दूसरा पानी से उसका कोई मतलब है नहीं, वो सिख चिल्लाते रहे। और ठाकुर जी भी इतना करुणामय है, ए इसका जवान भी इतना छोटा सा जवान है, मुख है उसमें फटिक जल फेंक दिया जैसे उसको बचाने के लिए, कितना करुणामय है प्रभु। तो जैसे क्रिस्टल वाटर छोड़ के ये चिड़िया का कोई शांति है नहीं, ऐसे ही दुनिया में भोगों का समंदर है, ये तमाम दुनिया है, ये माया देवी का विराट मार्केट है, ओपन मार्केट, कुछ भी चाहिए तो चलो मिल जाए। एक एक आदमी करोड़ों रुपया एक नाइट में खर्चा कर देते, एक करोड़ तो छोटा मोटा बात, कितना करोड़ रुपया एक नाइट पे आनंद के लिए ना, हैं? जो खुदकुशी करते हैं वो भी आनंद मिला नहीं, जो चाहिए था मिला नहीं इसलिए मरा। अगर खुदकुशी किया, ये तो आत्मा होता है शब्द तो गलत है, आत्मा तो मरता नहीं, फिर भी अगर कोई अपने शरीर को मार डाला किस लिए मारा, इसका कारण देखा जाए तो ये सुख चाहता, इसका चाहत था सुख, ये मिला नहीं इसलिए दुखी बन के मर गया। तो मतलब एक ही कारण है सुख प्राप्ति करना, और कुछ कारण है नहीं। तो चातक पक्षी पंछी जो है इसको फटिक जल में शांति मिलती है, ऐसा ही
ये जो जीवात्मा है अनंत ब्रह्मांड में कितना सारे जगह है। अरे अनंत ब्रह्मांड का बात छोड़ ही दो, हमारा पृथ्वी में कितना सारे तरह तरह का भोगों का समान है, एंजॉयमेंट, सब एंजॉयमेंट है। धनी धनी व्यक्ति का घर में कालिया दमन का एक पिक्चर रहे, ये भी उसका एंजॉयिंग मूड। कॉफी खाते खाते ठीक है ना, सुबह में चाय का जो टेबल है उसमें बैठ के वो कालिया दमन का पिक्चर को देखे, इसका एंजॉयमेंट है। अर्थात कृष्णो और कालिया दमन जो लीला है ये इसका भोगों का एक समान है। मेरा बात समझा नहीं है? भक्ति का विषय में गुरुजी बोलते थे, अरे भक्ति तो बाद में करे, भक्ति क्या चीज है समझने में लग जाए कितना जन्म जन्म। तो ये एक मात्र तो गौड़ीय मठ का कट्टोर भक्तों जो है ये छोड़ के दुनिया का कोई किसी को पता नहीं, इतना फाइन विचार, ये गाधे का मापिक विचार में लगे हुए, गाधे का मापिक कर लिया, अरे किसने कर दिया वो जानता ही नहीं कैसा क्या करना चाहिए। गौड़ीय मठ का कट्टोर जो है प्रभुपाद का समय समय में जो इतना सारे भक्तों लोग है ये लोगों को पता था कितना गहरा विचार है। तो धनी व्यक्ति का घर में कालिया दमन का फोटो रहे या रासलीला का फचो रहे कोई मतलब नहीं। कोई बाहर का आदमी, अरे महाराज भक्त भक्तराज है ये, अरे इसका जो कालिया दमन का फोटो है ये इसका एंजॉयमेंट का एक आइटम है। आप समझा नहीं बात है, समझना मुश्किल ही है। जो भी है ये जो है इतना भोगों का समुंदर है, माया देवी का इतना बड़ा मार्केट है भोगों का, कहीं भी जाओ एंजॉय कर लो। लेकिन भोजन भोजन करो या तो एंजॉय कुछ भी एंजॉय करो कर लो, लेकिन आफ्टर ऑल करने का बाद क्या शांति मिला है ये प्रश्न करना चाहिए। इतना जो एंजॉयमेंट किया है हमने, बस स्विट्जरलैंड गया होटल में चेहरा कितना सारे मजाक किया एंजॉयमेंट किया हैं, कोई जो सब करते रहते हैं एंजॉयमेंट, लेकिन इसका बाद उसको पूछो जो एंजॉयमेंट तुमने किया वो एंजॉयमेंट का लॉन्ग लास्टिंग है कि दो पल का, पैसा खत्म सारे हजम हो गया। जैसे स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में जाओ दान पुण्य आदि करके, आप स्वर्ग से जो आपका पुण्यों का जो डिपॉजिट है खर्चा हो जाए, खीने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोक में फेंका जाएगा। जितना तक डिपॉजिट है उतना तक रखेगा, बाकी डिपॉजिट खत्म तो फेंको, पैसा से मतलब है, मतलब दुनिया का किसी भी आनंद है एंजॉयमेंट है कैसे भी आप प्राप्त कर लो, पैसा से या जोर जबरदस्ती कुछ भी हो, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे चातक पंछी का सेटिस्फेक्शन एकमात्र स्फोटिक पानी में है, स्फटिक जल में, क्रिस्टल पानी में, ऐसा ही जीव जितना भागे दौड़े जितना पागलपंती करे इसका अंदर में बेचैनी हटने वाला नहीं। जब ये भक्ति शुरू करे परम गुरु वैष्णव के चरण के सान्निध्य में आ जाए और समझने लग जाए जो क्या भक्ति क्या चीज है, एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस अप्राकृत सुखानुभूति एक हृदय में खिलने लग जाएगा, एक अप्राकृत सुखानुभूति खिलने लग जाएगा, मानो कि खिल रहा है हृदय। क्या है महाराज जी के पास जाके इतना आनंद होता है, इसका कोई उत्तर तो है नहीं, लेकिन आनंद होता है। क्यों? क्योंकि ये महात्मा लोगों का हृदय में साक्षात भगवान बंधे हुए बैठा हुआ है, बंधे हुए हृदय में बंधे हुए बैठा हुआ है। इसलिए कीर्तन में भी नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए जे गंगार परो शैले पश्चात पावन दर्शने पवित्र करो ही तुम्हार गुण और भक्तेर हृदय सदा गोविंदेर विश्राम। बांग्ला में कहें फिर भी आपको समझ में आए, बहुत एक्सपीरियंस है आपका जो भी है, ऐसा करके बताया गया। तो
जैसे चातक पंछी का स्फटिक पानी छोड़कर किसी भी हाले से आनंद नहीं है, जितना भी अच्छी को चिल्लो दौड़ो भागो जितना भी पागलपंती कर लो, जब तक वास्तव भक्ति शुरू नहीं करे जीवात्मा तब तक इसका शांति बिल्कुल नहीं। सो अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति, प्रसीदति मतलब शांति आनंद एकदम भीतर में अंदर हृदय खिल जाए, लेकिन सु इधर लगाया, सु मतलब उपसर्ग, उपसर्ग लगाना व्याकरण में उपसर्ग बोलते हैं, प्रो परा अपो अनु नु है ऐसो लगाया ना, सु ऐसो सब उपसर्ग है। उपसर्गों का माने हैं व्याकरण में है उपसर्गे न धात्वार्थो बलात् अन्यत्र नियते, व्याकरण में लिखा हुआ है उपसर्गे न, उपसर्ग उपसर्गो व्यवहार करने का कारण क्या है, उपसर्गे न धात्वार्थो धातु का अर्थो बलात् अन्यत्र नियते, दूसरा जगह चलाया था है। एक उदाहरण दे, जैसे जैसे एक ही धातु का वो उपसर्गों के द्वारा कैसा कैसा उदाहरण, कैसा कैसा उदाहरण चेंज हो जाता, देखो हैं, जैसे एक एक, एक उदाहरण द्वारा बिहार, बिहार मतलब घूमना और एंजॉयमेंट है बिहार, प्रहार मतलब मारना किसी को हैं, आहार मतलब खाना, आहार प्रहार बिहार हैं, ये सब चेंज हो जाता, माने एक उपसर्ग का इतना ताकत है धातु का अर्थ पूरा चेंज कर दिया। ऐसा करके सुप्रसिद्धति मतलब ये प्रसन्नता जो है निर्मल प्रसन्नता को प्राप्ति कर लेगा, ऐसा कोई ऐसा इंडिकेशन दिया गया। ऐसा है विचार है, अक्सर आदमी कर्मों का मार्ग में चलने वाले हैं आप जानती हो, ये स्वाभाविक है, अनंत काल का संस्कार है, ये इस कर्म का मार्ग में चलना चाहता है, वो हीरो बनना चाहता है, अपने को साबित करना चाहता है, हमको इतना ताकत है, हमने इतना राज, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो या तो एजुकेशन फील्ड हो या तो प्लेइंग फील्ड हो, खेल खेल स्पोर्ट्स फील्ड हो, कई भी जगह जाओ, यहाँ तक कि सो कॉल्ड भजन फील्ड में गुरुजी को दिखा देंगे हमने कितना बड़ा है, ताकत है हमारा, अरे गुरुजी को कौन जानते थे, हम ही तो बन जन, हम ही तो हम तो यू नो ऐसा करके, नहीं तो गुरुजी को कौन जानते थे, ऐसा विचार है, गुरु ग्रहण किया सब कचरा है, सब कचरा है, एकदम कचरा पूरा, कोई कंसेप्शन ही नहीं है गुरु तत्व क्या है, वैष्णव तत्व क्या है, ऐ चिल्ला रहा है, जैसे पॉलिटिकल आदमी चिल्ला रहा है, दीते होवे मानते होवे करते होवे, अरे क्या करना होगा है? वो खुद ही समझा नहीं, चिल्ला रहा है, नेता बोला तो चिल्ला, वो चिल्लाते रहा। भजन राज्यों में समझने वाले बहुत कम है, बहुत कम, बहुत, पूरा पृथ्वी को गिनती कर लो आएगा, ये प्रभुपाद का विचार भक्तिमोहन ठाकुर हुआ, तमाम दुनिया उजार हो जाए, भगवान को प्राप्त किया, तत्व ज्ञान का साक्षात्कार किया, भगवान को प्राप्त किया, इतना ताकतवर आदमी कहाँ है, बहुत कम है, नहीं है ऐसा नहीं। तो ये सकल कर्मों फल अनित्य, जब आदमी समझने लगने लगे, समझने लगे कि जो हम कर्म करते रहते हैं ये कर्म का तो फल तो अनित्य है, ये तो कुछ बेकार है, ये सारे अनित्य जगत है, ऐसा अगर प्रिलिमिनरी कंसेप्शन आ जाए, कर्म का फल अनित्य ऐसा अगर बोध हो जाए, कोई कोई आदमी चले चक्कर खैर छोड़ो ये छोड़ देंगे, ज्ञान कांडी हो जाता है, ज्ञान कांडी होके निर्भेद ब्रह्मानुसंधान अद्वैतवादी बन जाता है। ये सब सारे अवस्था जो है, चाहे अद्वैतवादी का कोई साधु हो कुछ भी हो, ये सारे अवस्थाएं जीव का बद्ध अवस्था का विक्रिया, समझा,
जीव का शुद्ध अवस्था एकमात्र क्रिया है। जीवों का जो शुद्ध अवस्था हो जाता है हृदय का, जैसे प्रभुपाद बार बार कहते थे ना, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। जीवों का हृदय अगर शुद्ध हो जाए तो एकमात्र एक ही काम बचता है, वो है सेवा भक्ति, और कुछ नहीं बचता। सारे ड्यूटीफुलनेस, सारे मोरालिटी, सारे कुछ भी हैं, ऑनेस्टी, सारे पानी में बह के चले जाए, बेमतलब सब। और समझ में आए कि देखो ये भगवान का जो भक्ति है, सेवा है, इसी में आनंद है और कुछ नहीं बचता। और ठाकुर जी ये जो अर्जुन को बताए, योगिनामोपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौमे युक्तो तमो मतः, ये बात को समझना चाहिए। क्यों भगवान भक्ति योग शुरू का पहले, अतः सातवां अध्याय शुरू का पहले ये जबरदस्त बात कह दी, बोलो सुंदर। इसको विचार नहीं होने से सरासर गलत हो जाएगा हमारा भावना। तो ऐसा है, भक्ति योग आश्रय है ना, ये जो है नित्य सिद्ध, जीवों का नित्य सिद्ध ये भक्ति जो है अंदर में ही है, इसको प्रकाशित होना है। वह नित्य सिद्ध जीवों का नित्य सिद्ध अवस्था है, नित्य शिव का जीव, नित्य सिद्ध जीवों का अंदर में रहता है। और जब भी लिखा हुआ है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, फिर भी ये तो है ही है, संबंध है भगवान का साथ, संबंध जो है ये हम भगवान से बिखरे हुए हैं, जैसे पिता से पुत्र बिखरे हुए हैं। बचपन में चला गया कहाँ पता नहीं, पिता का साथ पुत्र का कोई संबंध नहीं है, लड़का को कहाँ लेके गया कोई, और पिता का साथ कोई संबंध नहीं। फिर भी अगर विचार किया जाए, पुत्रों का साथ पिता का अभी कोई संबंध लिंक नहीं है, छूट गया। फिर भी लेकिन पिता पुत्र जो संबंध है ये तो छूटने वाला नहीं है। पिता कहीं ना कोई तो है, अब पुत्रों में कहीं ना कोई तो है, लेकिन पिता और पुत्रों का अंदर में जो संबंध है, यहाँ तक कि मरने का बाद, अगर पिता मर गया फिर भी पुत्रों का साथ पिता का संबंध है, अनित्य संबंध, फिर भी ये संबंध जो रिश्ता जो है ये तो रिश्ता तो है ही है। ऐसा जड़ जगत का, अप्राकृतिक जगत में तो ये तो रिश्ता दो दिन का है ये सब। फिर भी जैसे पिता से पुत्र बिखर गया, लेकिन संबंध तो पिता का साथ पुत्र का है ही है, पिता पुत्र संबंध है। ऐसे ही बद्ध जीव अनंत ब्रह्मांडो ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते ब्रह्मांड भूमि से कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। ऐसा ही है, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते बड़ा अहोभाग्य हो गया, साधु का सत्संग हुआ, और बिना साधु संग भगवान कोई व्यवस्था नहीं रखा कैसे भक्ति ऐसी प्राप्त कर ले। क्योंकि ततस्थ अवस्था में जीवों का जो ये जो जीव तत्व का बारे में चर्चा हो रहा है, बड़ा गहरा चर्चा, ततस्थ अवस्था में ये जो अंदर में जो भक्ति है ये भक्ति नहीं है ततस्थ अवस्था में, लेकिन संबंध जरूर है। जीव भगवान से आए हुए, मैं जैसे भगवान बताया गीता में ना, ये सब जीवात्मा ममई वंश जीवो लोके जीवो भूतो सनातना, तो भगवान का साथ संबंध है, लेकिन संबंधों को आविष्कार करना है, डिस्कवर आविष्कार करना है। और बिना साधु संग भगवान का अंतरंगा शक्ति जो स्वरूप शक्ति का जो विलास है, स्वरूप शक्ति का प्रभाव है, जब तक बद्ध जीव ततोस्ता जीव को टच ना करे थ्रू भाया भिया गुरु वैष्णव, तत्पक तत्व भक्ति होना संभव नहीं। पूर्व जन्म में अगर किसी का है तो अलग बात है, इस जन्म में दिखाई पड़ता है, मैंने पूर्व जन्म में हो गया कोई साधु संग, बिना सत्संग तरई न कोई, बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, ये बात पक्का बा सिद्धांत। तो बद्ध जीव ब्रह्मांड भ्रमण करते करते साधु संग साधु कृपा में अकस्मात भक्ति रूप गुप्त धन का
संधान में रह गया, गुप्त ट्रेजर, सीक्रेट ट्रेजर, भक्ति जो आश्रय कर लेता है उसमें भक्त बन जाता है। श्रीमान महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई को सुंदर एक रूपक, जैसे पहले वाला कहानी बताए रूपक है, इट इज वन लाइक ड्रामा, फिर भी ये बहुत इफेक्टिव है, ये बेकार नहीं है। महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई को ये उदाहरण दिए, और बद्ध जीवों का हालत वर्णन करते हुए नारद जी महाराज भी है नो, ये जो भागवत में वर्णन है ना, ये जीवों का हालत क्या है, ये बद्ध जीव, ये सब रूपक कहानी, लेकिन फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट, समझा, ये रूप कहानी तो रूपक है, ये सुंदर एक, लेकिन ये कहानी का पीछे एक राज है, बहुत रहस्य है, ये बेकार नहीं है। महाप्रभु जी ने एक उदाहरण दिए, जे सनातन एक पिता मरते समय अपना संपत्ति जितना सारे विभाजन करके पुत्रों में, बड़े पुत्रों, मझेरा पुत्रों, सब सबको, सब जितना सारे पुत्र है सब डिवीजन कर दिया, मरते समय बोल दिया हमको जा, हम तो जाते जाते ये संपत्ति भाग कर दे तुमको, और छोटा लड़का जो है, छोटा लड़का का ऊपर पिता का काफ़ी प्यार था, लेकिन छोटा लड़का उपस्थित नहीं थे, कोई जगह गए हुए थे, बहुत गांव का बाहर बहुत दूर, आने में टाइम लग गया, अब जब आए तो देखे पिता मर गया, और जितना सारे रिश्तेदार है भाई सारे संपत्ति को बंटवारा कर लिए, और अपना लिए अर्थात अपना लिए कुछ नहीं रखा, उसका लिए कुछ नहीं है, हैं अर्थात वो जो छोटा लड़का के लिए कुछ नहीं बचा, तो रोना शुरू कर दिए, अरे हमारा लिए क्यों नहीं रखा, हम कैसे जिए, संपत्ति नहीं है, और भाई सब बोला, जितना सारे भाई बोलो तुम्हारा लिए कुछ नहीं है, वो रोना शुरू कर दिए, तो रोने रोते रोते क्या हुआ, एक जो है साधु संतों के साथ उसका भेंट हो गया, जो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्यत वर्तमान, उन्होंने बोले तो बेटा तू रो क्यों रहे पैर का नीचे बैठ के, बोला हम तो लुट गया, और क्या हुआ, बोले पिताजी मर गया, और तो मर तो जाना ही है, सब कोई तो मरेगा, उसमें क्या विशेष है, और नहीं ऐसा नहीं, हमको कुछ नहीं, हमारा संपत्ति का बंटवारा में हम वंचित हो गए, अरे कौन बोला, बोला हाँ हमको कुछ नहीं दिया, और तेरे लिए बहुत बड़ा संपत्ति पिताजी छोड़ के गया। भागवत में जैसे पुरंजन का कहानी है ना, जानते हो, कभी चर्चा हो तो देखो कितना सुंदर है पुरंजन। पुरंजन ये जीवात्मा है, पुरंजन हिमालय का हिमपादस में एक अच्छा खासा बिल्डिंग देखा, राजप्रसाद, बोले ये अच्छा है, इसमें हम भोगेंगे एंजॉय करेंगे, बोले घुस गया, अजय ये जो शरीर है मानव शरीर, इसमें नवद्वारे पूरे देही, देही मतलब ये जीवात्मा है, नौ गेट वाला ये बड़ा प्रासाद है, राजप्रसाद, इसमें घुस गया। ये जो पुरंजन का कहानी जो है बहुत सुंदर, देखने में लगे कि ये तो महाराज ये नाटकबाजी है, नाटक नहीं है, हैं नाटक नहीं है, लेकिन इसका अंदर में कितना गहरा विचार है, ओह इतना आनंद है, कोई समझे तो पुरंजन का कहानी ऐसा करके बताए। ए महाप्रभु भी ऐसा करके बद्धजीवों को समझाने के लिए डायरेक्ट तत्वज्ञान जितना उपदेश करोगे वो बाउंस होके चला जाएगा, क्रिकेट में जैसे बॉल बाउंस होके चला जाता है ना, वो घुसता ही नहीं, जगह नहीं है ना, पूरा शरीर को, पूरा अपना मन को, हृदय को विषय से एकदम भरपूर, और एक बूंद भी जगह नहीं, स्पेस नहीं है जहां प्राकृतिक जगत का कुछ मसला घुसे, वो बाउंस होकर निकल जाए। हाँ महाराज क्या बताया आपने, ताली दे दिया, फिर दोबारा मायावादी बैठा, अरे महाराज क्या सुनाया, हो गया। ऐसा ही है, समझा नहीं कुछ तो ऐसा ही बोलेगा। पुरंजन का कहानी जैसा है, ऐसा किस्म का कहानी महाप्रभु जी ने सनातन गुस्से के सुना,
और ये त्रिकालदर्शी पुरुष बताए कौन बोला तेरा तेरे लिए संपत्ति नहीं है? बोले नहीं, बोले है, बोले कहाँ है? बोले ये ऐसा है हम बता देंगे, लेकिन होले होले जाना, खूब विचार करके, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता। बोले आप बताओ तो। बोले आपका लिए गुप्त धन है। गुप्त धन है? यस। बोले तुम्हारा भाइयों को कुछ नहीं दिया, तुम्हारा लिए जो गुप्त धन है तो मत पूछो, इतना संपत्ति, अरे कहाँ है बताओ जल्दी। अरे जल्दीबाजी मत करो, हम बता रहे हैं। वो जो देख रहा है जंगल है, जंगल है, जंगल में सीधा, अरे अभी चले, रुको रुको रुको, जंगल में ऐसे जाओ, वहाँ जाके एक पेड़ है, वटवृक्ष है, उसका 10 कदम आगे जाओ, जाके एक जगह है, लोकेटर चिन्ह है, सिम्टम है, वो जगह जाने से, उसको खोदने से अभी आपको बड़ा खजाना, संपत्ति, गुप्त धन प्राप्त होगा। बता हम जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सुन के जाओ पहले। कैसे जाओगे? पश्चिम में जाओगे तो एक अजगर है, ये एक दक्ष है, एक यू नो भूत दक्ष है, उसको तुम मार ले। दक्षिण में जाओ तो एक अजगर है, अजगर तुमको खा लेगा पूरा, एकदम निकाल लेगा। तो कैसे जाए? बोले महाराज उत्तर में जाओ तो वो तो भी प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ तुम्हारा जो भोमरा है, भोमरा जानते हो है ना, वो एकदम मारना, काला भोमरा मारना शुरू कर देगा। जब भी तुमको उधर जाओगे और देखने का साथ सारे आंखें तुमको काटना शुरू कर दे। और 3-4 भोमरा का जो विष है, सांप का विष का बराबर है, जहर का बराबर, तो मर जाओगे। तो कैसे जाए महाराज? बोले पूर्व दिशा में बहुत सावधानी से, पूर्व दिशा में ये जो जंगल का जो रास्ता है, इसमें इसी जगह से पूर्व दिशा में यहाँ से टनल, टनल है ना, वो खोदो, सुरंग, सुरंग खोदो, टनल, और खूंदते कूदते एक्यूरेटली वहाँ तक पहुँचो तो देखो कि कितना सारे गुप्त धन है। तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए बस सनातन कुछ समझा। बोले महाराज क्या समझे? बोले ये जो संपत्ति है जीवों का अंदर में, जीवों का अंदर में जो जो भक्ति संपत्ति है, जो डायरेक्टली नहीं है, मिसिंग है, वो उसको प्राप्ति कराने के लिए सदगुरु, ये जो त्रिकालदर्शी पुरुष सदगुरु हैं, और तुमको प्राप्ति करने का उपदेश जो बोले, ये भगवत प्राप्ति भगवान ही है, अनमोल संपत्ति, भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो रास्ते हैं, रास्ता बताएं, ऐसे ऐसे भजन करो, ऐसे ऐसे जाओ, और डायरेक्टली करना मुश्किल है, माया का कितना सारे रुकावट है, चारों ओर से मुसीबत है। हरि भजन करने के लिए पूरा दुनिया खड़ा हो जाता है उसका सत्यानाश करने के लिए, जो हरि भजन करना चाह रहा वास्तव, उसका सत्यानाश करने के लिए तमाम दुनिया खड़ा हो जाता, उसका विरुद्ध में चला जाता, उसकी चिल्लाता है, समझा मेरा बात, खामा खा लेकिन चिल्लाता है, कोई कारण नहीं, क्योंकि उसका जो एंजॉयिंग मूड है इसमें बाधा पड़ता है, समझा मेरा बात। हमको कौन गाली देगा बोलो? कोई गाली देने का कोई चांस नहीं है, लेकिन गाली कब दे? जब देखा जो हमारा हरिकथा के द्वारा इसका बाजार मार्केट खराब हो रहा है, जैसे कल बताया था एक डॉक्टर का बीवी उल्टा सीधा सुना कि क्यों, मतलब वो स्वामी जो है वो अपने आप आया, हम किसी को बुलाया नहीं, अपने आप आया, वो भक्ति, वो डिटैचमेंट ग्रो कर रहा है, और उसका उनकी जो वो एंजॉयिंग मूड है उसका बाधा हो रहा है। तो इसीलिए इसमें कोई संसार है, संसार तोड़ रहा है हम, मतलब आपने कितना संसार तोड़ा है ऐसा, हाँ ठीक ही बात है, संसार है ना, संग, इसमें संग मतलब ये जो नाटक जो है, नाटक है ना, नाटक में जैसे पेंटिंग करता है, कोई लेडीज होता है, कोई जेंट्स होता है, कोई राक्षस होता है, आप ही ने तो बताया, आप बताई ना, संसार, इसमें संग ही सार है, अर्थात इसमें नाटक ही सार, कुछ नहीं है। तो ये अगर हरि कथा से तोड़ जाए तो किसमें क्या, जो केस पेस करना है कर लो, जाओ करो, क्या करे, ऐसा पूर्वक है आदमी, तमाम दुनिया
भोगों में बाधा पड़े तो साधु का पीछे लग जाए एकदम, कोई कारण नहीं, ऐसा ही है। तो ऐसा करके सनातन गोसाई को महाप्रभु ने पूछा, कुछ समझा? बोले है ये अप्राकृत अनमोल संपत्ति जो है भगवान, भगवान का सेवा भक्ति, ये अनमोल संपत्ति है। ओ भक्ति योग इहो कंटक कोटि रुद्धो हा हा कौजमे किम हम करोमी, समझा? ये पोदन सरस्वती बा सुंदर बताया, भक्ति पद इहो कंटक कोटि रुद्धो, अगर भक्ति ना करो तुम मिलजुल के चलो, भक्ति का नाम पे तुम एक काम करो, भक्ति आप एक काम करो, भक्ति का नाम पे आप मिलावटी करो, देखोगे सारे दुनिया आपका साथ चलेगा, ओ महाराज को अच्छा है, भक्ति का नाम क्या मिलावटी शुरू कर दो, हाँ सब चलता है महाराज, क्या है सब तो एक ही है, अब ठीक ही सभी तो एक ही है तब तो ठीक है, दुनिया तुम्हारा दोस्त बन जाए, और वो अगर बहुपात का माफी कठोर बन जाए तो दुनिया तो उसका पीछे लग जाए, वो तो सत्यनाश करने के लिए, वास्तव हरिभजन जो करने जाए तमाम दुनिया उसको मारने के लिए उद्दत हो जाए, क्यों? ये असली बात कह रहे हैं, यही बात है। तो ऐसा करते करते महाप्रभु जी ने जैसे उदाहरण दिया, जैसे ये गुप्त धन है, ये गुप्त धन है भक्ति हमारा जिंदगी में। गीता में भगवान कितना सारे रास्ता बताया, लेकिन अंतिम में सोच समझ के पूरा रास्ता को धीरे 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 भक्ति कैसे कैसी है, ये जो भक्ति देवी का जो कृपा है कैसे मिलनी है, ये शास्त्र में देखो, एक गुप्त धन का संपद संधान मिल गया, भक्ति योग आश्रय करके भक्तों बन जाता है, बद्ध जीव ब्रह्मांडो भ्रमण करते करते असली कोई साधु का संग हो गया, साधु संग सर्वशस्ते कौय लव मात्र तो साधु संग सर्व सिद्धि होय, सर्व सिद्धि का व्याख्या किया भक्ति में ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने, सर्व सिद्धि मतलब जो अनमोल संपत्ति कृष्ण प्रेम, ये भी मिल सकता है, कोई असंभव नहीं है, कोई असंभव नहीं है, भगवान अगर संतुष्ट है, साधु अगर संतुष्ट है सब मिल जाए, लेकिन साधु पहचानना जरूरी है, भक्ति कैसा वो पहचान, इसीलिए गीता का जो व्याख्या है ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि ये जब तक ना समझे, जितना भी नाटक करे रागानुगा भक्ति रूपानुगा भक्ति, उसका नंगापन कभी जाने वाला नहीं है, कितना भी कर दे रागानुगा भक्ति रूपानुगा भक्ति, वो कुछ समझा ही नहीं गीता का, वो कैसे आगे बढ़े। शास्त्र में लिखा हुआ है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परियायते सत्संग प्राप्ति पुंभी सुकृतोई पूर्व संचित, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परियायत, भक्ति ऐसा नहीं मिलता, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परियायत, ये समझना असंभव है, और सत्संग प्राप्त करना अभी असंभव है, बड़ा सौभाग्य से अगर नसीब अच्छा है तो सत्संग मिल जाए, सत्संग प्राप्ति पुंभी सुकृतोई पूर्व संचित, पूर्व संचित सुकृति के है ना, ये जो महत कृपालब्ध भक्ति जो है, महत कृपा के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होना है, ये दो किस्म का भाग किया जाए, एक है केवला भक्ति, निर्गुणा भक्ति केवला भक्ति, और दूसरा है प्रधानी भूता अर्थात कर्म ज्ञान मिश्रा, मेरा बात आई बात समझ में, महत कृपा के द्वारा अगर भक्ति आया, कि ऐसा कोई माने नहीं है सब कोई को एकदम निष्किंचन परमहंस का दर्शन ही होगा, ऐसा कोई नहीं, तो साधु संग जरूरी है, मध्यम अधिकारी भी है हो सकता, तो महत कृपाल अब्द भक्ति को दो विभाग किया जाए, एक है केवला भक्ति जो असंभव है निष्किंचन निर्गुणा भक्ति, और दूसरा है प्रधानी भुक्ता, यही स्वाभाविक है, आम आदमी में अगर सत्संग के द्वारा होता है तो यही होता है, केवला भक्ति में जाना क्वाइट इम्पॉसिबल, फिर भी क्वाइट इम्पॉसिबल हम बोल नहीं सकता कि वो उचित नहीं होगी, संभव है जरूर, तो ये जो
केवला भक्ति और प्रधानीभूता भक्ति। प्रधानीभूता मतलब अर्थात कर्म ज्ञान मिश्रा, जो राय रामानंद संवाद में चर्चा करते हुए बताया था, भक्ति रसामृत सिंधु में खुल्ला में खुल्ला बताया गया, किसी भी हालत से मिलावटी नहीं चलेगी। अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। इसका व्याख्या हो चुका है बहुत बार पहले। ज्ञान कर्मादि अनावृतम मतलब इसमें कवरिंग नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्नाभिलाषिता बोलने गया तो अन्नाभिलाष शून्यम नहीं, अन्नाभिलाष शून्यता ऐसा बोला नहीं, अन्नाभिलाषिता माना पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, समझा मेरा, जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, कोई अन्नाभिलाष नहीं चलेगी। अन्नाभिलाषिता शून्यम, और ज्ञान कर्म बोलने गया ज्ञान कर्मादि शून्यम ऐसा बोला नहीं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। क्यों? जो ज्ञान कर्म हमारा भक्ति का अनुकूल है, जो ज्ञान कर्म हमारा भक्ति का अनुकूल है तो एक ज्ञान कर्म तो बंद करना उचित नहीं होगी। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम मतलब जो जड़ जगत का जो शुष्क ड्राई ज्ञान है और कर्मों का जो गंदगी है ये अनावृतम, और उसका कवरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्ञान निषेध है ये नहीं बताया, शुद्ध ज्ञान जिसमें भक्ति मिलना ये तो जरूरी है, तत्व ज्ञान ये तो जरूरी है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पद ने ज्ञान कर्मादि अनावृतम बताया, अर्थात तुम्हारा ड्राई नॉलेज, ड्राई जो ज्ञान है, शुष्क ज्ञान जो है, हैं शुष्क ज्ञान जो है और कर्म का जो कचड़ा है, गंदगी है, ये अनावृत होनी चाहिए। और अनुकूलन शब्द के द्वारा किसका अनुकूल करे, तो अनुकूला कृष्ण, कृष्णों का अगर विचार किया जाए तो कृष्णों का सेवा में राधा रानी छोड़कर अनुकूल होता ही नहीं, अनुकूला कोई नहीं है, कोई नहीं बचेगा। यहाँ तक कि चंदावली का भक्ति ये भी अनुकूला नहीं। इसलिए अनुकूला शब्दों का व्याख्या हमारा गुरुवर्ग ने ये कथा सुंदर किया, बोले बोले अनुकूल लेना मतलब राधा रानी अनुकूला है। एकमात्र राधा रानी का जो प्रोसीड्योर है, सेवा का भावना है, सेवा का जो प्रीति है, कृष्ण को एकदम पूरा वशीभूत कर लिया। अनुकूल लेना कृष्णानुशीलन, ये सबसे बड़ा भक्ति उत्तमा भक्ति है, ये बताया। जो भी तो केवला भक्ति या प्रधानीभूता भक्ति में कर्म ज्ञान आदि मिश्रा भक्ति, ये अक्सर अक्सर दुनिया में यही देखा जाता है, ये छोड़ के तो है ही नहीं, शुद्ध भक्ति कहाँ है। बहु सौभाग्य के द्वारा महत्संग प्राप्त होने का बाद, जैसा किस्म का महत्संग प्राप्त हुए, हमने अगर रामानुज संप्रदाय का कोई साधु का साथ भेंट किया सपोज करो, तो उसमें जैसा कभी किसी का साधु का संग करोगे वैसे ही मिले। साधु कोई खराब नहीं है, लेकिन अंतिम में जो संप्रदाय का वैभव, वाणी वैभव, सिद्धांत वैभव का पता चले तो उसको बताओ, नहीं तो पागल बनती बता के क्या फायदा, उसको पता ही नहीं। ठीक है चलो, जिसको पता है सांप्रदायिक वैभव, इसका लिए रूप गोस्वामी पाद जी ने एक सुंदर उपदेश दिया। जो देखो अपना संप्रदाय का ऊंचा साधु का संग करो, इसमें आपका जो संपत्ति है भजन राज्य का संपत्ति वो बढ़ेगा। सजाति राशय स्निग्धे साधु संगो शतो भरे, 100% इज वेरी वेरी इफेक्टिव। सजाति राशय स्निग्धे, हाँ ना हमने तो साधु संग किया महाराज रामानंदी शादी किया तो है, हमने तो गाली नहीं दे रहा है तुम्हें किया, लेकिन जैसा साधु का कृपा होगा वैसा ही तुमने, समझा मेरा बात। जीव तत्व का बारे में देखोगे, जैसा जैसा साधु संग करे, साधु संग करते करते आगे बढ़े, लेकिन साधु संग का भी ग्रेड है, कैसा कैसा साधु संग करना है, कौन किसी स्थिति में है,
यहाँ तक कि आचार्यों का भूमिका में है, लेकिन उसको अद्वैत ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित नहीं है तो आचार्यों का काम नहीं कर सकता, वो बॉन्डेड सोल हो जाए। जभी जभी आपको पता चले कि ये जो है आचार्यों का काम कर रहा है लेकिन इसको अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठा अभी तक नहीं भाई, तो श्योरली ही इज अ बॉन्डेड सोल। अद्वैत ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठा होना जरूरी है, न कि बाजार में मार्केट में जाके ब्यूटीफुल लेडी देखे, संपत्ति देखे, घर का सारे वो सब सामान देखे, ये सब देखेगा। दूसरे के घर में जाके क्या देखे हैं, घर घर में प्रचार होना, सो क्या प्रचार हुआ, कैसा भक्ति बढ़ रहा है दिखाओ मेरे को। सहजय का मापिक बोलने में बहुत आसान लगता है, एक बद्ध जीव को चेंज करके भगवत चरण में ले जाना, ओह हाउ टिपिकल टॉक्स इट इज। वो जो जानता है वो जानता है, बाकी जो बाचाल लोग है, पागल लोग है, वो जानता नहीं कितना कठिन है। अंतिम अंतिम घड़ी में भी लात लगा देगा, अंतिम घड़ी में वो लात लगा देगा। तत्स्थ पोजिशन ऐसा है, कभी उल्टा समझिए अपराध कर दिया, एक लात लगा देगा। इतना कष्ट करके भी उसको बनाने का कुछ, बस लात लगा दिया, कभी भी गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो ऐसा है, बहुत कठिन ये भक्ति क्या है, जो हमने बताया। देखो अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठा नहीं है, मतलब उसका डाइवर्सिटी दर्शन, कृष्णों का अंदर सारे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी भगवान में है, ये समझ नहीं आता हमको। दो किस्म का विचार चाहिए, एक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, दोनों में एक भी कमती हो गया तो मुश्किल। तो ये जो है, जैसा किस्म का साधु मिले, जैसा संग ऐसा रंग, और साधु संग में मिले जैसा संत साधु संग वैसा, जैसा उसके उस किस्म का भक्ति मिलेगी, समझा। कैसा किस्म का भक्ति, भक्ति मतलब, भक्ति मतलब सेवा, सेवा का मूड, सेवा। तो रामानंदी साधु मिले तो उसका भाव क्या है, कैसे हमारा अंदर। ऐसे तो पहला विचार है, चार संप्रदाय छोड़ के दूसरा कोई संप्रदाय का कोई प्रसंग नहीं उठाना चाहिए, फिर भी हमने बोला क्योंकि हमारा जिंदगी में हुआ, लेकिन हमको फेंक नहीं सका क्योंकि गुरु जी प्रभुपाद में हमारा अगर आस्था है, विश्वास है। तो इस समय में अगर दूसरा साधु मेरे को बुलाए तो उसका दर्शन में जाने तो कोई दोष नहीं है, ठीक है महाराज। अगर कोई अगर प्रश्न उठाए, चर्चा होए भक्ति का, हमारा गौड़ीय सिद्धांत तो उसका सिद्धांत तो क्या है, ये हो सकता। लेकिन साधु संघो जो वीक व्यक्ति जो है, उसका लिए साधु संघो इतना है, जहाँ भी जाए वो संग तो होगा ही, उसका तो संग, कोई संग होगा ही कैसी भी हालत से। बद्ध जीवों का बिना संग रह नहीं सकता, जैसे बामन गोस्वामी महाराज जहां भी ले जाओ अंतर में गुरु वैष्णव का संग छोड़ के कोई संग होता ही नहीं। इसीलिए बार बार उन्हें बोला, इतना हल्ला चिल्ला, इतना हल्ला गुल्ला का बीच में भी मैं एकांत रूप में रह सकता हूं, ये कैसे, ये कोई समझा नहीं। मतलब यह हल्ला गुल्ला बार है, कृष्ण कोलाहल अगर हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, कृष्ण कोलाहल कृष्ण भजन के लिए ये तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने बोला जड़ जगत का सारे चिल्ला रहे चारों ओर, लेकिन बीच में अगर महाराज जी है, अंदर में एक निष्ठा है गुरुचरण में, प्रभुपाद में, अपना एक हृदय में बसा हुआ दुनिया है, अपना एक हृदय में बसा हुआ दुनिया है, प्रेम की दुनिया। जब तक उसमें लगन ना लगे, दुनिया का ये जो दुनिया का जितना सारे लुक्रेटिव ऑफर है ना, लोभनीय विषय, ये हिल जाएगा बद्ध जीव, ततस्था जीव। तो जो भी है, जैसा महत्संग हो ऐसा ही रूपी भक्ति होगा। अगर कोई रामानंदी साधु अगर बोलना शुरू कर हमको कृष्ण भक्ति हुआ, ये तो कैसे हो सकता। जैसा मंत्र है, मंत्र रूपी गुरु जी जितना मंत्र, ऐसे होगा। आजकल तो वो सब खिचड़ी हो गया वृंदावन में, रामानंदी साधु प्रवचन बोल रहा है, भले हमारा संप्रदाय ऐसा है वो श्याम सुंदर को प्यार करता है, अब श्याम सुंदर कैसे, उसका खिचड़ी है, गुरुजी मंत्र दिया राम का,
तो राम में राम मंत्रो जो है, मंत्रो ही तो मंत्रो देवता है, उसको सिद्धि मिलेगी क्या कृष्ण का है? कैसे सिद्धि मिले? मंत्रो तो मिला राम का, तो राम कैसे सिद्धि हो? समझा मेरा बात? मीराबाई जितना ही चिल्लाए, मेरा बात बहुत सारे लिखी हैं, मेरा तो गिरधारी लाल दूसरा, लेकिन अंतिम में सिद्धि का टाइम में द्वारका में सिद्धि मिले। कैसे? बोले जैसे भजन क्या वैसे राधारण का अनुगत के बिना गौड़ीय भजन बेकार होता ही नहीं। तो जो भी है कर्मी ज्ञानी योगी इन लोगों में भी एक किस्म का भक्ति थोड़ा बहुत देखा जाता है। ध्यान से विचार करना, ये जो कर्मी ज्ञानी और योगी इन लोगों में भी थोड़ा बहुत भक्ति का टच देखा जाता है। ये भक्ति है ठीक है, लेकिन ये गुणी भूता प्रधानी भूता मिक्स्ड। भक्ति का स्वरूप बोलने से जो समझना चाहिए वो ये नहीं, कारण भक्ति ऑलवेज स्वरूपतः निर्गुण, ये महापूजी ने बताए। भक्ति अनन्य निरपेक्षा, भक्ति अनन्य निरपेक्षा, वो किसी ज्ञान कर्मों का ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये अनन्य निरपेक्षा। सो भक्ति स्वरूपत निर्गुणा, कौर्मी ज्ञानी योगी सीओ कर्म ज्ञान योगों का फल सिद्धि के लिए किंचित भक्ति का आश्रय लेता है, नहीं तो भक्ति का आश्रय बिना ज्ञान कर्म आदि किसी में योग में किसी सिद्धि लाभ करने का कोई रास्ता ही है नहीं। थोड़ा बहुत मिलावटी चाहिए, भक्ति अगर नहीं मिलाया है उसको बिल्कुल असंभव है। तो कर्मी ज्ञानी योगी सीओ कर्म ज्ञान जो के फल सिद्धि के लिए किंचित भक्ति का स्वीकार कर लेते हैं, ये सगुना है। और फल प्रदान ये सगुना भक्ति है, और फल प्रदान इसका रिजल्ट जो है अंतिम जो फल प्रदान करके अंतरहिता हो जाती, ये भक्ति टिकती नहीं। जोगी बहुत के बस अष्टांग से सिद्धि लाभ किया, अरे आप तो बास हो गया, आप फेंक दिया। अर्थात ये सगुना है, और फल प्रदान करने के बाद अंतरहिता हो जाती है। सूत्रम अनित्ता भक्ति कि तो हमने जो पहले शुरुआत में भक्ति का डेफिनेशन दिया है, ये भक्ति निर्गुणा कपिल जी महाराज का और दूसरा सारे उदाहरण दिया, निर्गुणा भक्ति नित्ता भक्ति नित्य भक्ति का उदाहरण दिया। भगवान निर्गुण है, भगवान का भक्ति भी नित्य है निर्गुण है। भक्ति और भक्तो जिसीलिए हमने शुरुआत किया प्रभुपाद का, जैसे भक्ति भक्तो भगवान हैं, भक्ति भक्तो भगवान, तीन एक लाइन में सारे अदक्षजो अक्षजो होने से होगा नहीं हैं हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया सुंदर, जे भगवान जैसे निर्गुण है नित्य है, भक्ति भक्तो और भगवान भी निर्गुण नित्य है, वह सकली अधोक्षज तत्व का अंदर में आ जाता है। ऐसा करके विचार बनाया। और भक्तिविनोद ठाकुर जी काल चर्चा किया, फिर भी याद दिलाने के लिए और थोड़ा बताना चाहिए क्योंकि भूल जाते हैं। तो यह जो इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, भगवान जो ये अंतिम श्लोक में छठा अध्याय का अंतिम श्लोक में जो ये जो रहस्य बता दिया, इसका माने क्या है, जिसका व्याख्या इतना समय तक किया ये अभी समझना चाहिए। योगिनाम ओपि सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स्वामी युक्तो तमो मतः। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए जितना किस्म का योगी है, इससे सर्वापेक्षा भक्ति योगानुष्ठाता भक्ति योग का अनुष्ठान करने वाले जो हैं ये योगी सर्वश्रेष्ठ है। योग एक ओपन टर्म है, कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग ये सब योग, योग मतलब भगवान का सब योग युक्त तो होना। किंतु भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए जे ये भक्ति योगानुष्ठाता जो मैंने भक्ति योग का अनुष्ठान करते हैं ये सबसे बड़ा है, ऊपर है,
इसका पोजीशन क्यों, ये भगवान बताए। जो व्यक्ति श्रद्धावान होके श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, श्रद्धावान जो लिखा है ये इसका भी माने समझने चाहिए। श्रद्धा का माने क्या है, लिखा है शास्त्र में चैतन्य चरितमृत में श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा इसका माने है एकदम कंफर्म, अंदर में एकदम सॉलिड बिलीफ। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, दृढ़ दृढ़ नहीं सुदृढ़, फिर उपसर्ग लगा दिया सुदृढ़। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सब, अगर हम कृष्ण में भक्ति करें तो तमाम हमारा जो ड्यूटी है तमाम मिट जाएगी, हमारा ड्यूटी हो कुछ नहीं। कृष्ण में भक्ति करो तो यथा तरर मूल्य से चनेन तिप्पन्ति तत्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अरहरणम उच्चते ज्ञा, ये श्लोक नारद जी ने बताया। तो जो भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होके हमको भजन करते रहते हैं वो जोगी गणों में श्रेष्ठ है। बाकी जोगी गणों में थोड़ा बहुत भक्ति का मिलावटी तो है ही है, हमने तो इसका चर्चा किया, लेकिन जो श्रद्धावान होके हमारा भजन करता रहता है एकदम दृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास कृष्ण भजन में सब मिल गया कुछ नहीं चाहिए हमको, ये भी जो योगी है ये योगी गणों में श्रेष्ठ है। क्योंकि विधि मार्ग में चलने वाले और ओपन टर्म में और कहे तो कोई समाज का कोई आदमी चिल्लाए बोले हम भी तो वेद मानता है महाराज, ठीक है मानो वही, तो मानव गणों में जो वेद को थोड़ा बहुत मानता है ठीक है चलो, वही तो मानव गणों में सकाम कर्मी को योगी नहीं बोला जाता है। योगों का पहला टर्म है तुम्हारा सकाम भावना को छोड़ना चाहिए, ये बहुत बात चर्चा की, किसी भी योग के रास्ता में जाओ वैद्य मानव गणों में सकाम कर्म योग को योगी नहीं बोला जाएगा, इसको लिस्ट अपना जो लिस्ट है इससे फेंक दिया गया। तो निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी अनुष्ठाता, ये लोगों को योगी बोला जाए, भगवान ने इसका व्याख्या की, हाँ इसको योगी बोला जाए। लेकिन सकाम कर्मों को ये जो योग का लायक नहीं है, ये फलानुसंधानी, इसका कंटामिनेशन है। योग में हृदय को प्योर बनाना जरूरी है, ये प्राइम नीड, इट इज द प्रायर नीड, सबसे पहले। तो वही तो मानव गुणों में जो है इसको लिस्ट से बाहर निकल देगा, बखार निकाला गया। तो निष्काम कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्ति योग अनुष्ठाता, ये सब योग योगी कहने कहलाने का लायक है। वस्तुतः भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि योग ये जो शब्द एक ही है, आदमी तरह तरह विचार बना के समझते हैं, योग शब्द एक दो नहीं, योग एक किस्म का स्टेप है। In the way of reaching that absolute is one kind of step. ये एक झिन्ना है, मैंने एक मार्ग विशेष सोपानमय मार्ग, जैसे धीरे धीरे एक झिन्ना, दो झिन्ना, तीन झिन्ना, ऐसा करके तो ऊपर चले भक्ति मंडो भाई। योग एक ही प्रोसीड्योर है, लेकिन योग का एक एक सोपान है, सोपान माने झिन्ना स्टेप। जिस प्रोसीड्योर के द्वारा ब्रह्म पथारूढ़ो होने का प्रयत्न करता है जीव, सारे ही योग, लेकिन ये योग ये मार्ग आश्रय करके जीव धीरे धीरे एक दो तीन करके ऊपर जाते। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अंतिम में बताए तमाम दुनिया का जितना सारे धर्म है प्रेजेंट कुछ भी है, ये निंदा का विषय नहीं है, तमाम धर्मों अल्टीमेटली दे आर सम काइंड ऑफ स्टेप। ईसाई धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म है, ये धर्म है, बुद्ध धर्म जो भी है, तमाम जो है ये जो मुस्लिम धर्म है,
तमाम है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अंतिम में जब आत्मधर्म में पहुंच जाओ तो वहां ये सब कुछ नहीं टिकेगा। जेसस क्राइस्ट का बारे में एक नोट ठाकुर जी ने लिखवाया और इसका पिक्चर देके निकाला है, जितना सारे फॉरेन डिवोटीज हैं, किसी का दिमाग में जाए तो बुद्धि अगर है तो समझ जाए क्या चीज है, हैं? जो भी है ये जरूरी है। तमाम दुनिया में हल्ला मच रहा है, सब सिद्धांतों का कोई पता नहीं, किसी को लड़ाई लग रहा है चारों ओर। तो ये जो है ये ब्रह्म पथारूढ़ हो जा सही ढंग से, तो एक बाई एक स्टेप है निष्काम कर्मयोग, एक किस्म का स्टेप है, एक धाप एक स्टेप आगे बढ़ा मैंने, एक सोपान एक झीना पे चढ़ गया, ये पहला क्रम है इन द वे ऑफ ब्रह्म पथारूढ़, ये पहला कदम है, पहला झीना। इसमें ज्ञान और वैराग्य युक्त हो जाता है, भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं इसमें अगर ज्ञान और वैराग्य अगर संयुक्त हो जाता है तो इसमें दूसरा स्टेप बन जाता है झीना, इसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग में भी कंटामिनेशन रहे तो ज्ञान योग नहीं बनेगा, भक्तिमय ठाकुर का कितना सुंदर व्याख्या है। ये दूसरा सोपान बन गया, ये जो निष्काम कर्म योग का स्टेप, इसमें आगे बढ़ते हुए थोड़ा ज्ञान और वैराग्य संयुक्त हो गया तो ये बदल गया, इसका स्वरूप ज्ञान योग हो गया। इसमें अगर पुनः आगे चलकर ईश्वर चिंता रूप ध्यान कंटिन्यूअसली, ये अष्टांगो योग रूप तीसरा स्टेप बन गया, हर वक्त भगवान का ईश्वर चिंता रूप ध्यान युक्त होने से इसमें ज्ञान योग में भी ध्यान है, लेकिन ईश्वर चिंता रूप जो कंटिन्यूअस ध्यान अगर हो जाए अष्टांग योग रूप तीसरा स्टेप बन गया, हो गया। इसमें अगर भगवत प्रीति संयुक्ता प्रेम प्यार अपना अपनापन, भगवान मेरा है तुम ही तो आमार आमी तो तुमार की काज अपरो धरे अपरो धने, ये समझने चाहिए तुम हमारा है ठाकुर जी हम तुम्हारा है, और दूसरे धन लेके मैं क्या करूं हैं क्या करूं हम, तो तुम्हें तो आमार अमित तुमार की काज अपरो धने हैं, से दुटी कथा भूलो ना सर्वदा उच्च स्वरे करो हरिनाम रह, से दुटी कथा ये कौन दो बातें, बहुत सारे प्रश्न आया था मेरा पास, हमने उत्तर दिया ठाकुर जी का कृपा से गुरु जी का कृपा से, ये दो प्रश्न क्या है, सेदुटी कथा ये दो बातें कभी नहीं भूलना, सेदुटी कथा भूलो ना सर्वथा करो उच्च स्वर हरिनाम राम। हमने बोला देखो आगे पीछे श्लोक का प्रभुपाद जी ने बताए हैं, आगे पीछे देखो इसमें क्या आता है, देखो कि संबंध ज्ञान का बात आता है पूरा, हमारा साथ अगर ठाकुर जी का संबंध नहीं बना, हमारा साथ गुरु जी का संबंध नहीं बना, हमारा साथ गुरु जी का वैष्णव का अपनापन नहीं आए, ये मेरा बाप है मेरा सब कुछ है, ये भावना अगर नहीं आए तो उसका तो सारा सारा सर गलत है। हमारा अंदर में गुरु जी का बारे में अगर अपनापन नहीं आया, मेरा गुरु जी मेरा प्यारा है ये छोड़ के किसी को अच्छा नहीं इतना सुंदर है, ये भावना अगर नहीं है तो गुरु जी का साथ मेरा संबंध नहीं हो पाए, तो भजन भी कच्चा है, भजन भी होगा नहीं ना पक्का, कैसे भजन का पूरा रूट कॉज है, अगले समय जब चर्चा करें हम दिखाएंगे पूरा भजन का रूट कॉज है गुरु, पूरा भजन का जितना भी दिखाओ कुछ तमाम भजन का रूट कॉज है वो गुरु है और कुछ नहीं, बस यही एक रहस्य है, ये समझ नहीं पाते आदमी, वो चुटकी लगा के भजन करना चाहते हैं, गुरु वैष्णव का तत्व समझता नहीं, उसका साथ चालाकी करते हैं अपमान करते हैं, अरे जितना भी अपमान कर गुरु वैष्णव कुछ सोचता नहीं यार, बद्ध जीव कुछ भी करे, कभी प्रशंसा किया कभी गाली दिए कुछ भी करे, संत महाराज जी का तिथि आ रहा है वो डायरेक्ट होगा हरि कथा, उसमें आप सुनोगे महाराज जी का, तब दिखाएंगे हम बद्ध जीव का प्रशंसा से, बद्ध जीव का सारे दुनिया बद्ध जीव हमको प्रशंसा कर दिया, उसमें हमारा क्या है,
हमको आनंद से नचना शुरू करे क्या? पूरा पूरा दुनिया बद्ध जीव हमारा अगेंस्ट हो जाए, उसमें कि हम दुखी हो जाए? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति ऐसा चीज नहीं है, हैं? भक्ति ऐसा चीज नहीं है। तो ऐसे हमने बताया कि देखो, जो ज्ञान योग का साथ पुनरा ईश्वर चिंता रूप ध्यान अगर संयुक्त हो गया, है ना, कंटिन्यूअस ध्यान रूप, तो ये अष्टांगो योग रूप तीसरा स्टेप जीना बन गया। इसके साथ भगवत प्रीति, भगवान का साथ प्रेम का रिश्ता प्रीति, इसमें भक्ति युग का चौथा क्रम। इसमें भी बहुत सारे डिवीजन है, काउंटलेस, ये काउंटलेस है भक्ति का सर्वाप्रभाव, यू नो, ये है। तो अष्टांगो ये है भक्ति युग, ये है। और ये जो प्रभुपाद जी ने बताया, सेदुती कथा भूलो ना सर्वधा, सेदुती कथा, वो दो बातें कभी नहीं भूलना। हमने हमको प्रश्न किया, मारा ये दो बात क्या है, प्रभुपाद जी तो उत्तर नहीं दिया, है ना, उत्तर देगा किसका लिए, उत्तर देगा किसका लिए, कुछ बोका आदमी के लिए? उत्तर तो है ही है, उत्तर तो है ही है, करो उच्च स्वर हरिनाम रव। अरे कब हरिनाम रव उच्च स्वर कर सकता, ये बताओ पहले, उच्च स्वर हरिनाम रव कब कर सकता? जब भगवान के साथ मेरा रिश्ता जोड़ गया, प्रेम। ऐसे वैसे नहीं है, 72 घंटा, 72 घंटा बक्रेश्वर पंडित जी, बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु का पार्षद, 72 घंटा कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, ये सोच भी नहीं सकते हो। हरि कथा सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हैं? इन दिनों में कोई कोई इंटेलिजेंट आदमी तो ऐसा कमेंट पास किया, बोले महाराज गुरु ग्रहण करने का पहले ऐसा कथा सुनना चाहिए, नहीं तो चोर चिट्ठा का पास चला जाए। वो ऐसा कमेंट किया, हम तो हंसना शुरू कर दिया। अरे बोले महाराज इतना बुद्धि है, बोले देखो गुरु ग्रहण का पहले किसी को अगर गुरु चाहिए, पहले कथा सुनना चाहिए, एकदम पूरा तत्व का पता चले, तब वो समझ पाएगा कौन गुरु है कौन लोगु है। मैं तो उल्लू का मापी, उल्लू का पट्ठा का मैं दौड़ते रहे, चा मरने जा, देवी मैया का मायर भोगे जाओ, ऐसा कलकत्ता में एक बात चलता था पहले, मायर भोगे मने माँ का भोग में जाओ, पट्ठा को जैसे बोली चढ़ाया जाए, चल मायर भोगे जाओ। बड़ा सुंदर बात, ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा बातें हैं, दो भगवत प्रीति योग, दो भक्ति योग हुआ। और सेदु जी को था मतलब तुम्ही तो हमार, अमी तो तुम्हार, की काज अपरधने, इस दो बातें, भगवान आप मेरा है, मैं तुम्हारा है। अब भगवान मेरा है मतलब गुरु जी तो मेरा है ही है, पहली पहले कदम तो गुरु जी है। तो सारे जो तत्व है गुरु वैष्णव लेके एक तत्व है, ये भगवत तत्व है। भगवत तत्व से अगर गुरु वैष्णव को काट के फेंक दिया जाए, चलाकी किया जाए, तो ये समझा ही नहीं, कुछ अकल नहीं है इसका, समझा ही नहीं। एक ही है गुरु तत्व, मतलब भगवत तत्व का अंदर ही आता है पूरा, वैष्णव तत्व धाम तत्व नाम तत्व एक। किसी का सा भी जरा सा भी चलाकी करो, होशियारी दिखाओ, तो तुम्हारा अपना मत जो है अपने बुला रहे, उसका कुछ नहीं होने वाला। खुरस्व धारा निशीतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वतंती, अगले दिन चर्चा करेंगे। देखो हम एकदम सानित, इतना खुरधार, इतना शार्प एज इसका ऊपर से चल रहा है संसार, चलाकी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। बस अपना कुछ वीक पॉइंट है तो खोल कर बोल दे, महाराज हमारा ये वीक पॉइंट, हम क्या करें, ये फिर भी आप काफ़ी है, अच्छा है। इसमें गुरु वैष्णव शक्ति भर देंगे, गुरु वैष्णव के अंदर में शक्ति है, तो इसका अंदर में चलाकी करने से और कुछ नहीं होने वाला, बस हो गया, उसमें ही खत्म हो गया पूरा। तो ये जो भगवत प्रीति संयुक्त हो गया, तो इसमें भक्ति योग का चौथ, ये जो योग का चौथा क्रम जो है भक्ति योग माना जाए। ऐसे तो हर रास्ता पे थोड़ा बहुत भक्ति का जो मसला है तो होनी चाहिए, तो होगा ही नहीं, नहीं तो
ये सारे एक का बाद दूसरे, दूसरे का बाद तीसरे, ऐसे अगर कनेक्शन कनेक्शन किया जाए, अंतिम में जाकर आत्मधर्मो जो प्रेम धर्मो ये बनता है। अगर कोई पहले पहले झीना में चपक गया, पहले पहले जो झीना बताया उसमें अटक गया, चपक गया, बस हो गया, उसका जो योग है ये अधूरा रह गया। अधूरा मतलब इट्सेल्फ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही थिंग इज कंप्लीट बट नॉट, अपना स्टैंडर्ड कौन सा वैसा वैसा हो गया हमको है समझो, लेकिन इसका कंप्लीट खंड योग हो गया। और प्रत्येक क्रम, एक क्रम से दूसरा क्रम, दूसरा क्रम से तीसरा क्रम, झीना पे चरने जाओ तो इसमें एक विशेष है कि तुम पहले जो पहला पहला जो झीना में तुम उपस्थित जब तक था तब तक उसमें निष्ठा दिखाया, आगे चल के जो आगे का झीना में चरना चाहो तो पहले का निष्ठा रख दो तो पूरा खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगा, समझा मेरा बात। जैसे वो ऊपर का झीना में चरना चाहो तो ऊपर का झीना में जो विशेष है आपको ये समझना चाहिए, उसमें लग जाओ, पहले का वो पहले का है, इसमें और नहीं चाहिए। अगर पहले का निष्ठा नहीं तक किया तो उसका जो दूसरा झीना है उसमें उसका जो सिद्धि जो होना है मतलब परफेक्शन मिलना है, ये मिलने का कोई चांस नहीं, समझा मेरा बात। कोई झीना में चिपक जाए, अटक जाए तो हो गया है ना, ये हो गया ना, क्योंकि वो अगर समझे अष्टांग युग में आया महाराज इतना दूर, ठीक है अष्टांग युग का सिद्धि ले लो, अनिमा लगी माँ पकी माँ पकाम सब बार हो गया, भक्ति देवी का जो थोड़ा वो सहारा लिया था भक्ति देवी छोड़ के चले जा भाग भाग, सब शेयर मार्केट का आदमी है भाग यहां से, भक्ति देवी कुछ नहीं सुनेगी, ऐसा करके विचार करके सोचना चाहिए। अगले दिन फिर चर्चा करेंगे इस विषय में, तो आगे चलकर तो ये समझना चाहिए क्यों भगवान बताएं, क्यों भगवान ने ये बताएं कि योगिनाम अपि सर्वेशम, आई बात समझ में, आई बात समझ में ना, योगिनाम अपि सर्वेशम, इतना योगियों में योगिनाम अपि सर्वेशम मौत गतिना अंतरात्मना, एकदम अंतर्मना मेरा साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ लिया, मतलब अगले दिन चर्चा करेंगे जरूर। ये सवन कीर्तन का भक्ति है, आगे वाला जो प्रिलिमिनरी भक्ति है इसमें कोई विशेष नहीं है। ये जो भगवान जो बताए हैं योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतिना अंतरात्मना श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान भजते जो मान सौमे युक्त तम ममता, ध्यान से सुनना, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतिना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मान सौ में युक्तो तमो मतः। किस लिए भगवान ने ग्रेड बताया, ये सब छोड़कर देखो ये सब बढ़कर ये भक्ति योग का बारे में, मदगतो मदगतो युक्त चित्तो श्रद्धावान होके जो हमको निरंतर भजन करते रहते हैं, ये जो वे श्रद्धावान होके एकदम निष्ठा श्रद्धावान, ये तमाम योगियों में इसका स्थान विशेष है। ए दैट इज माई ओपिनियन, भगवान कह रहे हैं कि ये यही मेरा विचार है, भगवान का विचार है मतलब पक्का है, ये सिद्धांत है, भगवान का विचार कि कोई तोड़ा जाएगा भगवान का विचार कभी नहीं, तो भगवान का विचार है मतलब ये सिद्धांत है, ठीक है चलो कोई बात। तो शुद्ध भक्ति का विषय ही भगवान गीता में, चाहे एक्स मिशन वाई मिशन सारे तमाम दुनिया गीता का व्याख्या में जुटे हुए हैं, सब अपना अपना हिसाब से गीता का व्याख्या कर रहे हैं उल्टा सीधा, समझा, किसी का बात सुनना नहीं है, इट इज माय रिक्वेस्ट, किसी का बात, कोई एक्स मिशन वाई मिशन कोई किसी का कोई संस्था का, ये मेरा विनती है आप लोगों का चरण में, एक विनती है किसी का गीता मत पढ़ो, अगर है तो उसको अलग करके रख दो, समझा मेरा बात। एकदम भक्तिविनोद ठाकुर
विश्वनाथ चक्रवर्ती जो व्याख्या हो रहा है ठाकुर जी का कृपा से, इसी को समझने का कोशिश करो। और ठाकुर जी का कृपा से तमाम गीता का साइंस विज्ञान, विज्ञान मतलब अनुभूति, ज्ञान, ज्ञान का बाद विज्ञान होता है, डायरेक्ट अनुभव में आ जाए तो विज्ञान होता है। ये गीता का विशेष विज्ञान समझ में आ जाए तो कहना ही क्या है, पूरा खुला छुटकारा मिलेगा बद्ध दशा से, क्योंकि तमाम साइंस है, एवर ग्रीन ह्यूमन साइंस, अनंत ब्रह्मांड में ऐसा साइंस है ही नहीं, तमाम दुनिया को रास्ता रहा दिखाने वाले ये गीता बाली, तमाम दुनिया को समझा, वो अगर माने तो, ये अगर ना माने तो कुछ नहीं। बड़ा एकदम एकदम बड़ा प्रोफेसर कनाडा में एक बड़ा साधु पहुंचा था, नाम का दरकार नहीं है, बड़ा साधु है, अच्छा खासा सिद्धांतों का ज्ञान है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, इन न्यूयॉर्क में भी, या वहाँ कनाडा में भी दिया, न्यूयॉर्क में भी दिया, वो वहाँ एक प्रोफेसर का एक तो एक टीम था और उसका स्टूडेंट भी है। और जब गीता का चर्चा शुरू हुआ वो बोले महाराज धर्म के तक गुरु कुछ भी नहीं रखा है, क्या है इसमें, और दो श्लोक जो पहले दो तीन श्लोक गीता का बोले इसमें कुछ नहीं रखा है। तो जब भगवत का भगवत कृपा प्राप्त हो जो साधु है, जब इस श्लोक का व्याख्या शुरू किया तो हैरान होकर रह गया, बोले महाराज कहते क्या है, इसका अंदर में इतना सारे रहस्य है छुपा हुआ। बोले हाँ, अगर ये नहीं समझा धर्म कहते को तो कुछ भी समझा नहीं है। बोले महाराज हैरान हो गया हम। बोले हाँ, ऐसा नहीं समझो कि गीता समझ गया हमने, गीता समझ गया महाराज, जैव धर्म हम समझ गया, गुरु जी कहते थे 100 बार जैव धर्म पढ़ो तो फिर भी समझ में नहीं आए अगर कृपा ना मिले, समझा। बड़ा ये कृपा का विषय है, एक लड़ाई, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। जो जितना हम्बल हो जाए, हम्बल का मतलब ये नहीं है कि किसब गुस्से में, किसब गुस्से में ना जो चिल्लाया तो हम्बलनेस नहीं है, ऐसा मत समझो, हम्बलनेस है अंदर में प्रतिष्ठा का बिल्कुल गंदगी नहीं है, जो कुछ भी कह रहा है लिख रहा है बोल रहा है सारे भगवान को रिझाने के लिए, संतुष्टि के लिए, अपना कुछ नहीं, अपना झोली में तो प्रणामी आ जाए तो हम प्रवचन करेंगे, नहीं तो नहीं कर, ऐसा कुत्ता वाल बिल्ला का मापिक जो भजन है ये हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ठाकुर ना करे हैं, सब लोगों का कृपा चाहिए। जो भी है चलो आगे चल के फिर व्याख्या हो पाएगा, आगे चल के अगला दिन ध्यान से ध्यान देना। सब ही पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकि अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति मद्गुण सुति मात्रेण मयि सर्वो गुहासये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बस अम्बधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकि अव्यवहिता या भक्ति पुरुष पुरुषोत्तमे वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।